बताओ पिछले वीडियो में क्या सीखा था? टेलीविजन। सबने कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। आज हम सीखेंगे घर में एक छोटे से जीव जो रहता है, जो हमारा नुकसान करता है, हमारे अनाजों का नुकसान करता है और हमारे कपड़ों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा जीव है जो? हाँ, रैट। वेरी गुड। ठीक है, रैट जो है हम सबके घरों में पाया जाता है ना? हम सबके घरों में रैट रहता है और हम सबके अनाजों को नुकसान पहुंचाता है, और यदि वो कपड़े पाता है या अलमारी में घुस जाता है तो कपड़ों को उतर डालता है। उसका जो टीथ होता है ना, वो बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, उसका टीथ जो होता है बहुत शार्प होता है, वो पूरा कपड़े को काट डालता है, कैंची के समान शार्प होता है। ठीक है ना, तो सब देखे हो ना चूहा? Yes, सबने रैट देखा है? Yes, तो आज हम बताएंगे आपको स्केच करना रैट को और उसको कलर करना। ठीक है, तो मेरे साथ आप भी कॉपी पेंसिल निकालिए और बना के चलिए। सबसे पहले आज का रेट डालिए और लिखिए रेड। ठीक है, रेड बनाने के लिए हमें ओवल शेप बनाना है, बिल्कुल एग जैसा। कैसा? एग जैसा बनाना है। ये शेप आप बना लो। सबने बनाया? वेरी गुड। इस शेप को सबने बना लिया? इजी है? वेरी गुड। और फिर यहाँ से, ठीक है, एक लाइन हमको लेके आगे आना है और इधर से एक लाइन लेकर इधर आना है। इस तरह बना दो। उसी ओवल शेप पर हम रेड का पिक्चर को बना रहे हैं। ठीक है, इसी लाइन से टच करते हुए हमने इस साइड में लाइन को खींच दिया है। ठीक है, और अभी यहाँ पे हम छोटे से भाग को इरेज कर देंगे। यहाँ पर इस ओवल शेप को हमें क्या कर देना है? क्या करना बच्चों? इरेज करना है। और यहाँ पे हम बनाएंगे इसका, ये क्या है? ईयर। डोंट टॉक। सबने इतना बनाया? हाफ पेज पे बनाना है, हाफ पेज पे। ठीक है, और ये रहा इसका लंबी सी टेल। ठीक है, देखा है ना उसका टेल? हाँ, बहुत लंबा होता है ना। ये रहा उसका टेल, और इस लाइन को हम क्या करना है? इरेज करना है हमको। इस लाइन को क्या करना है? इरेज करना है। और यहाँ पर उसने क्या कुछ पकड़ा हुआ है, लगता है रोटी पकड़ाया गया। ठीक है, इधर बना दो इसका माउथ पे इस तरह सर्कल। ठीक है, बना दिया। और यहाँ पे एक छोटा सर्कल बनाओ जो हो जाएगा उसका आईज। बनाया? सबने बनाया? हाँ। और अब हम इसके लेग को बनाएंगे। लेग बनाने के लिए हमको इधर का जो हिस्सा है ना, उसको हम क्या करेंगे? इरेज करेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे उसके लेग को। तो इस तरह सी जैसे आप बनाते हो ना, सी बनाते हो ना, सी बनाते हो ना, हाँ, तो बिल्कुल सी जैसा इस तरह बना दो। सी इस लाइन से टच करता हुआ बना दो। सी बना दिया? हाँ। और फिर इसको आप नीचे की ओर ले आओ। नीचे की ओर लाकर इस तरह टर्न कर दो बैक की ओर। ठीक है, बैक की ओर टर्न कर दो। ठीक है, और फिर इधर से जाकर थोड़ा गोलाई लिए हुए इस लाइन में इसको मिला दो। लेग बना बहुत आसानी से ना, बहुत इजी है ना। हाँ, और फिर आगे वाले भी लेग को हम बनाएंगे, तो उसके लिए भी यहाँ का हिस्सा थोड़ा सा क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। इस तरह हमने रेड के पिक्चर को क्या किया है? रेड के पिक्चर को क्या किया है? बनाया है। ठीक है, रेड की पिक्चर को बनाया। और अब इसको क्या करेंगे? कलर करेंगे। कलर करने के लिए आप कौन सा कलर यूज करोगे? सिल्वर कलर आपके पास है? यदि वैक्स कलर है
तो वैक्स कलर में सिल्वर कलर होता है, ठीक है। वैक्स कलर है आपके पास तो वैक्स कलर में सिल्वर कलर होता है, और यदि नहीं है तो आप ब्लैक कलर से करेंगे, मगर उसको बहुत डार्क नहीं करेंगे, बहुत हल्के हाथ से करेंगे, ठीक है। और वो भी नहीं है तो आप पेंसिल से ही आप सिल्वर कलर कर सकते हो, जिस पेंसिल से आप लिखते हो ना उस पेंसिल से भी आप इसको कलर कर सकते हो। इस तरह सबको लाइन देखना है कि लाइन के बाहर कलर नहीं जाए, कलर बिल्कुल मिलाकर कलर किया जिस तरह मैंने बताया है, ठीक उसी तरह आपको भी अपनी कॉपी में रेड बनाना है, स्केच करना है और उसको कलर करना है, और फिर नेक्स्ट पीरियड पे आपको अपने काम को क्या कराना है, चेक कराना है। इसलिए सारे काम को आप जल्द से जल्द कंप्लीट करके और चेक करा लीजिए। ओके, बाय बाय किड्स।